नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम वायरल सच में, जिसके माध्यम से हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उन खबरों का सच बताते हैं जो आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी है और जिन खबरों को जानने के बाद आपको हैरानी और परेशानी होती है, जिन खबरों को जानने के बाद उस पर यकीन करना हो जाता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, जिन्हें पढ़ने के बाद आपके मन में उठते हैं कई तरह के सवाल। आज भी कुछ ऐसी ही खबरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर अफवाह की तरह वायरल हुई है, जिनके पीछे का सच कुछ और ही निकला जब हमने उसकी छानबीन की। क्या है आज की वायरल होने वाली खबरें और क्या है उन खबरों के पीछे का पूरा सच, ये जानने के लिए डालिए हमारे इस रिपोर्ट पर एक खास नजर। देखिए, पूरे दिन न जाने ऐसी कितनी खबरें सोशल मीडिया के जरिए वायरल होती हैं, जिन्हें लोग सच मान के शेयर भी कर लेते हैं और जिन पर कई लोग विश्वास भी कर लेते हैं। और आज ऐसी ही कुछ खबरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिनके पीछे का सच कुछ और ही निकला। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि ट्रेंडिंग लिस्ट में खेसारी लाल की एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। दो दिन से लगातार ये फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है। इस गाने की हेडलाइन और पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कूली नंबर वन फिल्म है, जिसकी शूटिंग हाल ही में रांची में पूरी की गई थी, जिसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित हैं और खेसारी के साथ इस फिल्म में काजल राघवानी है। बड़े ताजुब की बात है कि 2019 में एक महीने पहले ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और 30 दिन बाद फिल्म यूट्यूब पर कैसे आ सकती है। आपको जानकर हैरानी हुई होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को खोलकर देख भी लिया, ये समझकर कि ये खेसारी की फिल्म कूली नंबर वन ही है, जबकि ये फिल्म खेसारी की पुरानी फिल्म है। कूली नंबर वन का पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिलहाल चल रहा है और बाद में ये फिल्म रिलीज होगी। लाल बाबू पंडित के अनुसार इस फिल्म को होली के मौके पर रिलीज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर इस तरह की कोई फिल्म आप देखते हैं तो उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो खेसारी की पुरानी फिल्म है। अगली खबर ये सुनने को मिली है कि खेसारी लाल की फिल्म बलमजी लव यू को नाम बदलकर कई सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म 2018 के अंतिम महीने में रिलीज की गई थी, जिसे सिनेमाघरों में खूब प्यार मिला था। बहुत अच्छी कमाई के बावजूद इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। हो सकता है कई सिनेमाघरों में नाम बदलकर रिलीज किया जाए और कई सिनेमाघरों में ऐसे ही रिलीज किया जाए इसके असली नाम के साथ, लेकिन अगर आप लोग ये फिल्म देख चुके हैं तो ये फिल्म दोबारा मत देखिए। अगली खबर खेसारी लाल को ही लेकर बड़ी तेजी से फैल रही है। आप लोग जानते होंगे कि खेसारी का नाम हमेशा से विवादों से जुड़ा रहा है। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका पंडित से खेसारी का एक विवाद हुआ था, उसके बाद से दोनों ने एक साथ फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, जबकि YouTube पर आपको दोनों से जुड़ी ये खबर देखने को मिलेगी कि दोनों ने एक साथ फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जबकि ना तो दोनों ने एक साथ कोई फिल्म साइन की है और ना ही दोनों ने एक साथ किसी फिल्म की शूटिंग की है। एक फिल्म में प्रियंका पंडित जरूर नजर आई थी खेसारी के साथ, लेकिन वो आखिरी फिल्म थी शायद, क्योंकि उसके बाद दोनों ने एक साथ काम करने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो पल अलग होगा जब दोनों साथ फिर से नजर आए, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप इस तरह की कोई खबर देखते हैं कि प्रियंका और खेसारी ने एक साथ फिल्म साइन की है या फिल्म कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म या कोई नया प्रोजेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें खेसारी के अपोजिट प्रियंका पंडित को साइन किया गया हो। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारी जरूर मिली होगी। तो ऐसे ही कल फिर होगी मुलाकात वायरल होने वाली खबरें और उनके पीछे का सच लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।